खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां वापडा की ना अहली नौजवान की जान ले गई। सीनियर सहाफी नदीम डोगर का बेटा दुनिया फानी से कूच कर गया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफी नदीम डोगर का बेटा जैन डोगर बिजली लगने से जहां बहक हो गया। बरौज जुमेरात ड्राइविन रोड TNT सोसाइटी में जैन अपने घर की छत पर काम कर रहा था कि अचानक लोहे का पाइप छत के करीब से गुजरने वाली 11,000 वोल्टेज की लाइन से टकरा गया, जो जानलेवा साबित हुआ और नौजवान जैन अपने खालिक हकीकी से जा मिला। पिछले साल जैन की शादी हुई और मौत के एक दिन बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। यहाँ बात इस समर की है कि क्या ये वापडा की ना अहली नहीं, जैन की मौत का जिम्मेदार वापडा नहीं? क्या वापडा को रिहायशी आबादियों से हाई वोल्टेज लाइनों पर लेमिनेशन नहीं करना चाहिए? कब वापडा तक इसी तरह इंसानी जानों का कातिल बनता रहेगा? सीनियर सहाफी नदीम डोगर और उनके अहले खाना ने वापडा की इस ना अहली पर, जिसकी वजह से उनके जवान बेटे की मौत हुई, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपील की है कि वो इस वाकये का नोटिस लें और वापडा के खिलाफ कार्रवाई करें।